कदाचित महादेव की इस ओजस को अधिक समय तक रोक कर रखा तो परले आ जाएगा। इसे किसी दूसरे कार्य में लगाना ही होगा, किंतु उसका आकार और विकार क्या होगा? हे प्रभु, ये आप ही नियत करें। मैं आपकी इस ओज को अपने अस्त्र और शस्त्र में डालने जा रहा हूं। हर हर महादेव। सभी देवी देवताओं के पास भांति भांति के अस्त्र शस्त्र हैं, किंतु ये परशु किसके लिए है? अब तो ये महादेव ही तय करेंगे कि ये दिव्य अस्त्र किसके लिए है। कदाचित ये महादेव का वही ओजस है। प्रतीत होता है कि देव शिल्पी विश्वकर्मा ने इसे एक परशु का आकार दे दिया है, परंतु ये हम असुरों के लिए और भी अच्छा है। अब ये परशु हमारे पास होगा। शिल्पी, आपका कार्य केवल अस्त्र शस्त्र का निर्माण होना चाहिए, यह बल का कार्य है, यह हम पर छोड़ दीजिए। अग्निदेव, यह कार्य इतना सरल नहीं है। महादेव की ओर से तैयार किया यह फरसा अत्यंत शक्तिशाली और पवित्र है, आप इसे संभाल नहीं पाएंगे। आप हमें स्थान दीजिए अग्निदेव, हमारा हाथ लगते ही ये परशु भी अपना स्थान अवश्य छोड़ देगा।
देवतागण, तुम्हारी असफलता इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा स्वर्णिम काल जा चुका है। असुरों का स्वर्णिम समय आने वाला है। हट जाओ, तुम लोगों से ये नहीं हो पाएगा। जाओ। पल लगाओ। और बल लगाओ। हट जाओ वहां से। बल लगाओ असुर, और बल लगाओ। क्यों, क्या हुआ? और बल लगाओ, और बल लगाओ असुरों। मुझे यह परशु किसी भी मूल्य पर चाहिए, किसी भी मूल्य पर। बल लगाओ, और बल लगाओ देवताओं। हमारे रहते ये दिव्य परशु असुरों को प्राप्त नहीं हो सकता। अधिक बल लगाइए अग्निदेव। महादेव, आपकी लीला आप ही जाने प्रभु। हमें तो यह भी पता नहीं है कि यह परशु किसे प्राप्त होने वाला है। प्रभु, मैं तुम्हारे कठोर तप साधना से अति प्रसन्न हूं। बस कहो, क्या वर चाहिए तुम्हें? आप तो स्वयं कालों के काल महाकाल अंतर्यामी हैं, तथापि आप मुझसे पूछ रहे हैं? जिस ब्रह्म विद्या की लालसा है तुम्हें, वो पाना बहुत ही कठिन है वत्स। मुझे ज्ञात है प्रभु, परंतु जब आप मेरे गुरु होंगे तो मैं समस्त कठिनाइयों को सहजता से पार कर लूंगा। तुम्हारा दृढ़ विश्वास और भक्ति ही तुम्हारी सफलता है वत्स। तथास्तु। धन्यवाद। परसु अभी तक यहीं पर धसा है। इसका तात्पर्य है कि देवता भी इसे अभी तक नहीं निकाल पाए। किंतु इसे तो हम भी नहीं निकाल पाए गुरुदेव। कहीं ये देवताओं का षड्यंत्र तो नहीं? गुरुदेव, हमें सतर्क रहना चाहिए। ये देवता अवश्य ही किसी योजना के निर्माण में लगे होंगे, अन्यथा इस परशु का यहाँ पर क्या काम? तुम लोग चिंता मत करो,
मेरी दृष्टि सदैव उन्हीं देवताओं पर टिकी रहती है। ये शनि ग्रह में उथल पुथल कैसी प्रतीत होता है कि शनि देव घोर चिंता में डूबे हैं या फिर भयंकर क्रोध में। यही दो कारण हो सकते हैं इस खगोलीय घटना के। समस्त ग्रहों ने अपनी चाल आरंभ कर दी है और मैं रुका हूं। यदि मैंने भी अपनी चाल आरंभ कर दी तो अनर्थ हो जाएगा। हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा की घड़ी है। एक दिन शनि स्वयं इस दुविधा में उलझ जाएगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। किंतु मैं कर्म फलदाता हूं, दंडाधिकारी हूं और मेरा कर्तव्य ही मेरी पहचान है। मुझे अपने धर्म पथ पर अडिग रहना ही होगा। स्वामी, आप अकस्मात ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मेरा भक्त दुविधा में है देवी, कि वो क्या करे। उस भक्त की व्यथा क्या है स्वामी? उस भक्त की व्यथा उसकी परिधि है। वो जिस परिधि में रहता है वो दोष दंड अच्छे बुरे फल का सूचक है। भले ही उसके समक्ष कोई नहीं जाता, किंतु निश्चित समय के पश्चात वो सबके समक्ष पहुंच ही जाता है। तो इसमें दुविधा क्या है स्वामी? दुविधा ये है देवी कि जिस गुरु ने उसे ये परिधि दी है, अब वही इसी परिधि में आ गया है। इसी बात को लेकर वो चिंतित है। तो स्वामी, आपके भक्त को इस विषय में सोचना चाहिए। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते। कल्याण हो पुत्र। देखो, तुम्हारी कठोर साधना का फल तुम्हारे समक्ष बैठे हैं। जितना ज्ञान प्राप्त करना है कर लो पुत्र। कहिए प्रभु, क्या आज्ञा है मेरे लिए? वत्स, एक घने और सघन वृक्ष में जाकर एक खो बनाओ। जो आज्ञा प्रभु। कल्याण हो। सघन घने वृक्ष में हो किस लिए स्वामी? इस संसार को गतिमान रखने के लिए देवी। पता नहीं महादेव इस वृक्ष के खो के साथ क्या करेंगे, परंतु शीघ्र ही मुझे यह कार्य संपन्न करके महादेव के समक्ष पहुंचना होगा ताकि मैं अपनी शिक्षा आरंभ कर सकूं। ये अधिकार, ये दायित्व, ये पद भी तो मुझे स्वयं महादेव ने दिए हैं। मुझे अपना कर्तव्य निभाना ही होगा। मुझे महादेव पर अपनी शनि दृष्टि डालनी ही होगी। स्वामी, स्वामी अकस्मात कहां चले गए? प्रणाम माता। प्रभु दिखाई नहीं दे रहे हैं? मुझे भी ज्ञात नहीं है परशुराम, अकस्मात स्वामी कहीं चले गए हैं। आप चिंतित ना हो,
मैं देखता हूं। कदाचित महादेव कहां जा सकते हैं? कहीं वहीं तो नहीं जहां उन्होंने मेरी मूर्ति बनाई थी? प्रतीत हो रहा है स्वामी मेरे साथ कोई क्रीड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं स्वयं जाकर देखती हूं। महादेव, कहां हैं आप? प्रभु के ध्यान स्थल पर ना तो महादेव है ना ही देवी पार्वती, ऐसा कैसे संभव है? प्रभु, महादेव कहां हैं आप? मैं शनिदेव आपका दृष्टिपात करने आया हूं, कृपया मेरे समक्ष आइए। कदाचित देवी पार्वती को मेरे विषय में ज्ञात हो गया हो और वही महादेव को लेकर कहीं चली गई हूं, किंतु मुझे अपना धर्म और दायित्व निभाने के लिए महादेव पर दृष्टिपात करनी ही होगी। स्वामी, स्वामी, स्वामी यहां भी नहीं है तो कहां जा सकते हैं? कोई बात नहीं, मैं उन्हें ढूंढने का प्रयास करती हूं। मैं उन्हें देख क्यों नहीं पा रही हूं? कदाचित ये उन्हीं की इच्छा होगी। परंतु स्वामी क्यों नहीं चाहते कि मैं उन्हें ढूंढ पाऊं? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अब तक मैंने तीनों लोकों और 14 भुवनों में भी जाकर देख लिया, किंतु महादेव मुझे कहीं नहीं मिले। जब तक महादेव स्वयं न चाहें, उन्हें कोई देख भी नहीं सकता। ये तो देवी पार्वती हैं। प्रणाम आदिशक्ति। देवी आप इतनी चिंतित और व्याकुल क्यों लग रही हैं? मैं महादेव को ढूंढ रही हूं क्योंकि वो कहीं मिल नहीं रहे। मेरी योगिनी शक्ति भी उन्हें नहीं ढूंढ पा रही। इसका अर्थ है देवी पार्वती को मेरे विषय में अभी ज्ञात नहीं हुआ है और महादेव जहां भी हैं एकाकी ही हैं। किंतु आप कहां जा रहे हैं? यदि मैंने देवी आदिशक्ति से कुछ छिपाया और उन्हें बाद में ज्ञात हुआ तो वो मुझ पर क्रोधित भी हो सकती हैं, इसलिए मुझे इन्हें सब कुछ बताना ही होगा। शनिदेव, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? देवी, मैं बहुत दुविधा में था क्योंकि आज इतने कालों बाद अकस्मात मेरा गृह योग महादेव पर बन गया है और अब उन्हें मेरी शनि दृष्टि का सामना करना होगा। बस इसीलिए मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं। उस भक्त की व्यथा क्या है स्वामी? उस भक्त की व्यथा उसकी परिधि है। वो जिस परिधि में रहता है वो दोष दंड अच्छे बुरे फल का सूचक है। मैंने महादेव को तीनों लोक 14 भुवनों में भी जाकर ढूंढ लिया किंतु वो मुझे कहीं नहीं मिले। देवी, क्या आपको पता है महादेव कहां है? वत्स, एक घने और सघन वृक्ष में जाकर एक खो बनाओ। बताइए देवी। स्वयं महादेव की इच्छा के बिना उनके निकट कोई नहीं आ सकता, ये तो आप भली भांति जानते हैं।
माता, प्रभु कैलाश लौटे क्या? प्रभु महादेव इस समय कैलाश नहीं लौट सकते परशुराम। परंतु क्यों? क्योंकि उन पर शनि ग्रह की छाया पड़ने वाली है। शनिदेव उन्हें ढूंढ रहे हैं। प्रभु है कहाँ? कदाचित संसार को गतिमान रखने के लिए वो उसी खो में है जिसका निर्माण उन्होंने तुमसे करवाया था वत्स। अब जब तक शनिदेव अपने लोक लौट नहीं जाते, स्वामी भी कैलाश नहीं लौट सकते परशुराम। कल सूर्यास्त के पूर्व यदि तुम मेरे सम्मुख नहीं बैठे तो वो योग चला जाएगा और तुम ब्रह्म विद्या कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। मुझे ज्ञात है परशुराम तुम क्या सोच रहे हो। ब्रह्म विद्या प्राप्ति करने के लिए जिस प्रकार तुम व्याकुल हो ना, उससे कहीं अधिक व्याकुल मैं हूं, क्योंकि मुझे चिंता है कहीं महादेव पर पड़ी शनि देव की वक्र दृष्टि की छाया मेरे परिवार पर ना पड़े। आप चिंतित ना हो माता, अब शनिदेव को मेरे गुरुदेव तक पहुंचने के लिए मुझसे होकर गुजरना होगा, और ये मैं आपको वचन देता हूं। तुम्हारा कल्याण हो परशुराम।